press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. And the fun thing is that this show will also come in Hindi. Mein bhi aayega. हेलो एंड वेलकम गाइस टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू और मेरा नाम है कुश पांडे. सबसे पहले हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि भारत के भूतपूर्व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए. बचपन में जब हम सब छोटे थे तो वो हमारे आदर्श हुआ करते थे. चाहे आपने किसी के लिए वोट किया हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी आपकी पार्टी हो, एक महान नेता का निधन कल हुआ, तो Adda247 की तरफ से उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि. एंड वी होप and our wishes are with his near and dear ones. So चलिए शुरू करते हैं. वापस आ गए हैं हम सुबह 8 बजे के टाइम पे. तो चलिए बोरिया बिस्तर से निकलिए एंड आँख खोल के लेट्स फोकस ऑन द करंट अफेयर्स गाइज. तो लेट्स स्टार्ट द शो एंड ले चलते हैं आपको सबसे पहले हमारे आज के मोटिवेशनल कोट पे. ऑब्वियसली बात है ये कोट आपने पहले देख ही लिया है और ये कोट आपके सामने ये रहा. क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा. टू ऑल दोज पीपल हु डू नॉट हैव अ गुड कमांड इन हिंदी, वेल दिस पर्टिकुलर कोटेशन इज ऑफ एन अनडाइंग स्पिरिट ऑफ द ग्रेट लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल नॉट बी डिफीटेड. सो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो PDF होगा इस शो का वो आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे इस चैनल पर वन द शो गेट्स. उसके बाद आप इसका यहाँ पर PDF भी पा सकेंगे जो कि अवेलेबल होगा इस डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर. ओके नाउ आगे बढ़ते हैं एंड ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर पे. एंड अगेन वी आर फोकसिंग ऑन द लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज श्रीमान श्री 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 एंड सही मान में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में. आइए इनके बारे में बात करते हैं. तो ये रहा इनके बारे में गाइस. द बीजेपी इज जेंटल कोलोसस फेड्स अवे. कोलोसस मीन्स द फादर फिगर. कोलोसस मीन्स द जायंट फिगर. कोलोसस मीन्स समवन हु इज लार्जर देन लाइफ. समवन हु इज सिनोनिमस टू अ पर्टिकुलर कल्ट टू अ पर्टिकुलर रिलीजन टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. सो बीजेपी इज फाउंडिंग फादर्स वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का कल निधन हो गया. तो आइए उनके बारे में हम आज बात कर लेते हैं और ये रहे कुछ फैक्ट जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे. ही इज़ दी ओनली एज ऑफ नाउ दी ओनली नॉन कांग्रेस PM टू कंप्लीट अ फुल टर्म इन दी ऑफिस. पूरा कार्यकाल 5 साल का करने वाले ये एकमात्र नॉन कांग्रेसी नेता हैं. नंबर वन. नंबर टू. ही वॉज सेलेक्टेड टू द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द राज्यसभा एंड द लोकसभा 12 times. 12 बार ये लोकसभा राज्यसभा में नामित हुए एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93. 93 वर्ष की एज में इनका दोस्तों देहांत हो गया. अगर हम बात करें ही वॉज बॉर्न ऑन 25 December विच इज़ ऑल्सो ये जो दिन आपका है ये दिन इज ऑफन रिगार्डेड एज द गुड गवर्नेंस डे. इनका जो जन्मस्थान था दैट वॉज इन ग्वालियर और 3 बार ये प्रधानमंत्री बने. 1996, 1998, 1999, 1999 to 2004 3 बार बने. 3rd time लकी रहे जब 5 साल के लिए इन्होंने एक सुपर कोअलिशन गवर्नमेंट बनाई जिसमें एक से एक नेता थे एंड उन्होंने 5 साल तक इसको चलाया. ही वॉज इलेक्टेड 10 times टू द लोकसभा from 4 different states. The very first Lok Sabha that he won was Balrampur, but he was often referred to as the Lok Sabha MP from my hometown, that is Lucknow. As in, for all the Lucknowites who basically were born or who were in their senses when he was the Prime Minister, we were very proud that he was one of us from Lucknow. So, वहाँ से इन्होंने अंत में अपना जो एक पार्लियामेंटेरियन वाला काम है वो इन्होंने लगातार करता रहा. और इनकी किताबों के नाम है इनका द बुक नेम इज़ मेरी 51 कविताएं या फिर माय 51 पोएम. तो जो लोग जिनको हिंदी पसंद है उनके लिए हिंदी में मैंने आपको दे दिया है तो इसको एक बार देख लीजिएगा. नाउ गाइस ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल. फॉर एग्जांपल द पोखरण द रीसेंट मूवी परमाणु विच इज़ बेस्ड ऑन द पोखरण 2nd nuclear test. द मैन बिहाइंड द एग्जीक्यूटिव द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज अटल बिहारी वाजपेयी.
वाजपेयी, द बस यात्रा टू पाकिस्तान अगेन अटल बिहारी वाजपेयी साहब, देन द कारगिल वॉर द विन अगेन एट दैट टाइम इट वॉज अटल बिहारी वाजपेयी साहब। तो ये कई सारे उनके किस्से हैं जो कि आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। सो शत शत नमन अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट ऑफ द हेडलाइंस एंड ये रही आपके सामने हमारी सेकेंड हेडलाइन, उड़ीसा टू शोकेस इट्स बायोडाइवर्सिटी। नाउ गाइज, ओनली वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट पार्ट इज दैट अ वर्ल्ड क्लास इंटरप्रिटेशन सेंटर विल कम अप एट द दंगामल नियर द भितरकनिका नेशनल पार्क। बस इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, ओनली वन थिंग। सवाल बनेगा एग्जाम में, देर विल बी अ क्वेश्चन। एक बार साउंड को देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास इंटरप्रिटेशन सेंटर विल कम अप एट द दंगामल नियर भितरकनिका नेशनल पार्क, वहाँ पर आपका ये सेटअप होगा। बस इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी इसके खबर, ये रही आपके सामने, उड़ीसा टू शोकेस इट्स बायोडाइवर्सिटी। द उड़ीसा गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ वर्ल्ड क्लास इंटरप्रिटेशन सेंटर एट द दंगामल नियर भितरकनिका नेशनल पार्क। द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज ₹3 crore एंड दिस पार्क इज फेमस फॉर बर्ड्स, फॉर टर्टल्स, फॉर एस्टुअरिंग क्रोकोडाइल्स। और जो एक और आपका नेशनल पार्क है इन उड़ीसा, दैट इज पर, तो इसका इंग्लिश भी आपके सामने है, इसका हिंदी भी आपके सामने है कि वहां पर एक विश्व स्तरीय व्याख्या केंद्र बनेगा जो कि बनेगा आपका दंगामल में, जो कि भितरकनिका नेशनल पार्क के पास है। एक बार जरा इसको एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। सो ये हमारे तीन पॉइंट्स हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेट। आई अगेन रिपीट गाइज, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट उड़ीसा इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लासेस, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे अबाउट उड़ीसा। ईश्वरिया पार्थसारथी, Yes, I am discussing in English and also in Hindi. You have to have patience because the show is a pan India show. We have to cater to the Hindi audience and also to the English audience. Milkar exam nikalenge, milkar exam mein aag lagayenge. That is the bottom line. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। 45 पीपल रेस्क्यूड फ्रॉम द सुल्तानगढ़ वाटरफॉल्स इन मध्य प्रदेश, मोर देन 6 स्टिल मिसिंग आफ्टर बीइंग स्वेप्ट अवे बाय सडन सर्ज इन वाटर। आई अगेन रिपीट गाइस, नो मैटर हाउ इंपॉर्टेंट दिस हेडलाइन इज, बट दिस हेडलाइन विल नेवर एवर कम इन द एग्जामिनेशन। ये जो आपकी खबर है ये इम्तहान में कभी नहीं आएगी, पर क्योंकि मध्य प्रदेश की बात हो रही है, क्योंकि सुल्तानगढ़ वाटरफॉल्स की बात हो रही है, विल डिस्कस अबाउट सुल्तानगढ़ वाटरफॉल और साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश की बात भी करेंगे। सो विल डिस्कस बोथ दीज थिंग्स, हम सुल्तानगढ़ वाटरफॉल की बात भी करेंगे या फिर द अदर वाटरफॉल्स इन मध्य प्रदेश, एंड ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द स्टैटिक शॉट्स। तो चलिए पहले आपको दिखा दें कौन कौन से आपके वाटरफॉल्स हैं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं, और इनमें से आप देख सकते हैं दोस्तों, बाहुती फॉल्स काफ़ी फेमस है आपका, धुआंधार फॉल्स, देन वी हैव गथा फॉल्स, पांडव फॉल्स, पूर्वा फॉल्स, राने फॉल्स, ये सारे आपके जो हैं ये वाटरफॉल्स हैं इन मध्य प्रदेश। तो इसको एक बार आप देख सकते हैं, दीज आर द मेन इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स विच आर बेसिकली फाउंड इन द स्टेट ऑफ MP। तो इसको एक बार आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। भागेश्वर प्रजापति, प्लीज़ अपना अगर मोबाइल से आप देख रहे हो तो मोबाइल का साउंड ओपन कर दीजिए, बिकॉज हमारे साइड से साउंड का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपकी वाटरफॉल्स हैं इन MP। अब बात करते हैं MP के स्टार्टिंग की, पर उससे पहले हाउ मेनी आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, कितने लोग हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं, गिव मी अ स्माइल। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं वो सब मेरे को स्माइल दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब हम मध्य प्रदेश के बारे में, और ये रही आपके सामने हमारी फर्स्ट हेडलाइन। देखिए फर्स्ट शॉट्स पहले बात करें तो मध्य प्रदेश इज द नंबर वन स्टेट, मध्य प्रदेश इज बेसिकली द नंबर वन स्टेट इन पल्सेस, सोयाबीन में नंबर वन स्टेट है, स्टेट पॉपुलेशन में 5th मोस्ट पॉपुलेटेड है, सीरियल में 3rd नंबर पे, और वीट में आपका ये 3rd नंबर पे है। अगर यहाँ नेशनल पार्क्स की बात करें तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ MP इज द कान्हा नेशनल पार्क, देन वी हैव द सतपुरा नेशनल पार्क, द पन्ना टाइगर रिजर्व, देन वी हैव पेंच, एंड देन वी हैव द बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये 5 आपके नेशनल पार्क्स हैं जो कि आपके सामने दोस्तों यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए हैं, कान्हा, सतपुरा, पन्ना, पेंच एंड बांधवगढ़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको हमारा नेक्स्ट हेडलाइन जो कि ये रहा आपके सामने। इन टर्म्स ऑफ डैम्स गाइस, वी हैव द गांधी सागर डैम विच इज़ ऑन रिवर चंबल, वी हैव द बनसागर डैम विच इज़ ऑन रिवर सोन, बारगी डैम इज़ ऑन नर्मदा, एंड द बरना डैम इज़ ऑन द बरना रिवर। सो ओवरऑल 4 डैम्स इंपॉर्टेंट हैं, इनमें गांधी सागर, बनसागर, बारगी एंड बरना।
In terms of the important rivers, guys, the most important river of Madhya Pradesh is Narmada, followed by Tapti, Betwa, and Chambal and Son. So, these are top 5 aapki badi rivers. Though Mahanadi is a very big river, but the more influence in Madhya Pradesh is basically of Narmada. Uska wahan par kafi bada ek influence hai. Aur fir Tapti hai, fir Betwa hai, fir Chambal hai, and fir aapka Son, Mahanadi, Shipra, Kewai, aur Kali Sindh hai. So, these are wahan par rivers hai, jo ki aapke samne maine page bhi kar di hai. Achha, dosto, agar yahan par से बात करें सो याद रखिएगा कि रिवर्स कौन कौन सी हैं, डैम्स कौन कौन से हैं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने अब लेक्स. नाउ गाइस, आप देख सकते हो कि भोपाल बेसिकली हैज एन अबंडेंस ऑफ लेक. भोपाल में जो है वहां पर लेक्स ही लेक्स हैं, एंड उनकी लेक्स आप आसानी से याद भी कर सकते हैं. वी हैव द भोजताल, द लोअर लेक, मोती लेक, दी शंगरापनी लेक एंड द शाहपुरा लेक. सिर्फ आपका ये एक्सेप्शन है, बाकी जो 5 लेक्स हैं दोज आर इन भोपाल. वो सारी की सारी जो आपकी हैं वो भोपाल के अंदर हैं, और जो तवा रिजर्वायर है दैट इज़ इन होशंगाबाद. सो यू कैन ऑल्सो से दैट द सिटी ऑफ लेक्स इन भोपाल, द सिटी ऑफ लेक्स इन MP इज़ बेसिकली भोपाल. इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन प्लांट्स गाइज, एक ही आपका जनरेशन प्लांट है जिसका नाम है विंध्याचल. नाउ गाइज, इंटरेस्टिंगली द विंध्याचल सिटी विच इज़ इन मिर्जापुर, दैट सिटी इज इन UP, बट द मिर्जापुर सिंगरौली पावर प्लांट इज़ इन मध्य प्रदेश. तो ये एक अंतर है. फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पे आ जाएं, जैसे कि गोरखपुर है, गोरखपुर का जो थर्मल पावर प्लांट है दैट इज़ इन हरियाणा, दैट इज़ नॉट इन उत्तर प्रदेश. तो ये एक बार आप देखिएगा. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. एक सवाल आ रहा है फ्रॉम R24, मेरे भाई मेरे दोस्त, स्टैटिक अवेयरनेस भी एग्जाम में आता है, इसलिए डिटेल में हम आपको देते हैं एक स्टेट के बारे में. तो आज का स्टेट हमारा MP है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट्स दिखा दें स्क्रीन पर. एयरपोर्ट्स में आपका है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट विच इज़ इन इंदौर, एंड ये एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं आपको मार्क करा दे रहा हूँ. देवी अहिल्याबाई इज़ इन इंदौर, राजा भोज इज़ इन भोपाल, जबलपुर ऑल्सो नोन एज डुमना एयरपोर्ट इज़ जबलपुर, एंड राजमाते विजय राजे सिंधिया इज़ इन ग्वालियर. ये आपके 4 फेमस एयरपोर्ट्स हैं जिनके नाम एक बार आप देख सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ फोक डांसेस गाइस, लोक रंजन, दिस इज़ अ डांस फेस्टिवल विच हैपन्स इन द एंशियंट साइट ऑफ खजुराहो, वहाँ पर आपका डांस फेस्टिवल होता है. देन वी हैव मटकी विच इज़ बेसिकली अ कम्युनिटी डांस फॉर्म इन मालवा. गनगौर एग्ज़ाम में आया था, और ये स्पेशली मैं बात करूँ तो ये जो भी लोग दे रहे हैं, आप दे रहे हैं RRB, मतलब RRB क्लर्क जिन लोगों का आएगा उसमें ये एग्ज़ाम में आ चुका है एक बार. सिमिलरली रेलवेज़ में भी आया है ये. तो गनगौर आपका जो है वो विच इज़ अ 9-day फेस्टिवल नोन एज द गनगौर फेस्टिवल. देन वी हैव बढ़ाई, बरेड़ी, नौराता, अहिराई एंड भगोरिया, ये आपके फोक डांसेस हैं. इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अगरिया, धनवर, गदाबा, गडबा, हलबा, ये सब वहाँ की आपकी शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर दी भी हुई है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस सेक्शन विल फोकस ऑन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स. दोस्तों, अगर मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विच इज़ इन उज्जैन, ये एक इशू है. मिंटू दास, साउंड का हमारे हिसाब से इशू नहीं है, हो सकता है चुड़चिड़ की आवाज़ आ रही हो तो हम साउंड को कम कर सकते हैं, पर इशू ऐसा सच नहीं है. मेरी आवाज़ थोड़ी सी एक डिम्योर है इस वजह से हो सकता है, पर दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है. देन वी हैव देवी जगदम्बी टेम्पल, वराह टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, दीज 3 आर इन खजुराहो, तो इनको एक साथ याद कर सकते हैं. देन जली महल एंड सोमवती कुंड आर इन धार. ग्वालियर में 2 हैं, महादेवा तिला मॉन्यूमेंट, सागर में 1 है राजमहल, वैसे ही भोपाल में कमलपति पैलेस है, धार में देख सकते हैं और आपके दिए हुए हैं. तो धार ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट, उसको एक बार देख लीजिएगा. देन वी हैव टूम्ब ऑफ अबुल फजल, ये एग्ज़ाम में आ सकता है SSC में, ये ग्वालियर में है. देन विष्णु वरहा टेम्पल जबलपुर में है, ओमकालेश्वर खांडवा में है, और आपका महाकालेश्वर उज्जैन में है. तो ये 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ओमकालेश्वर है दैट इज़ उज्जैन महाकालेश्वर, एंड जो ओमकारेश्वर है ये आपका खांडवा में है, और आखिरी में चित्रगुप्त टेम्पल जो है वो खजुराहो में है. इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल गाइस, लोकरंग फेस्टिवल, अखिल भारतीय कालिदास फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल, भगोरिया हार्ट फेस्टिवल, होली, उज्जैन कुंभ मेला, मलवा उत्सव, दशहरा, ये सारे यहाँ के फेमस फेस्टिवल्स हैं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं अब आपको हमारा नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन में आइए जानते हैं निक नेम्स के बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट स्टेडियम्स एंड एरिनाज,
एंड स्टेडियम, अगर निकनेम्स की बात करें, सिटी ऑफ लेक्स नाम दिया गया है भोपाल को, ऑब्वियसली बात मैंने बता दी आपको, मिनी मुंबई इज़ इन इंदौर, पावर हब सिटी इज़ मुंडी, सोया रीजन इज़ बेसिकली एमपी, तो ये सामने आपके सामने सब मेंशन भी किया गया है। सिमिलरली बात करें स्पोर्ट्स स्टेडियम्स की, तो महारानी उषा राजे सिंधिया स्टेडियम या होलकर स्टेडियम इज़ इन इंदौर, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज़ इन ग्वालियर, नेहरू स्टेडियम इज़ इन इंदौर एंड ऐशबाग स्टेडियम इज़ इन भोपाल। तो एक बार ज़रा इसको एक आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ले चलते हैं आपको हमारी अगली सुर्खी पर, जो कि ये रही आपके सामने, मालियान प्रेसिडेंट विंस द सेकेंड टर्म। मालियान के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें दूसरा टर्म उन्होंने जीता है, ये हमारी आज की खबर है। ये स्क्रीन पर भी दोस्तों आप फिलहाल देख भी पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इनका नाम आपको याद करना, इनका नाम जो है वो नाम देखिए दिया भी, उनका नाम है बूबाकार कीता एंड ही है बूबाकार इब्राहिम बूबाकार कीता, दैट इज़ हिज नेम, एंड इन्होंने जीता है सेकेंड टर्म इस बार, और ही हैज़ डिफीटेड हिज राइवल सीसे एंड ही हैज़ वन बाय 67% ऑफ द वोट्स। अगर हम माली की बात करें तो यहाँ पर देखिए दो सवाल बनेंगे। सबसे पहले इसका जो कैपिटल है, वन सेकेंड, इसका जो दोस्तों कैपिटल, इसका कैपिटल का नाम है बमाको, दैट इज़ द कैपिटल नंबर वन। एंड नंबर टू अगर बात करें तो इसकी जो करेंसी है, द करेंसी इज वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। सो दिस इज द करेंसी एंड दिस इज द कैपिटल, ठीक है। और अगर बात करें तो बेसिकली ये वेस्ट अफ्रीका में आपका पड़ता है, इट इज़ बेसिकली इन द वेस्ट अफ्रीका, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी फ्रेंच, ठीक। सो कैपिटल बमाको, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक इज द करेंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज इज फ्रेंच एंड इट लाइज इन वेस्ट अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने, NPCI unveils more secure UPI with overdraft facility. Now it's very important. आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ प्रीव्यू। सबसे पहले NPCI के बारे में, देन UPI के बारे में एंड देन ओवरड्राफ्ट के बारे में। दीज आर द थ्री कीवर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर हेडलाइन। एक UPI हो गया, एक NPCI हो गया और एक आपका ओवरड्राफ्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, व्हाट इज NPCI? तो मैं चाहूँगा आप जितने भी लोग हैं वो जरा जान जाएं NPCI बेसिकली है क्या। देखिए NPCI की बात करें तो NPCI इज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द फुल फॉर्म। नंबर टू, जितने भी, और जरा मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा इसको यूज़ करने की और ये गिर जाएंगे भाई साहब। हाँ, फर्स्ट पॉइंट है, जितने भी रिटेल पेमेंट्स हैं ऑनलाइन उनको ये देखता है, रिटेल पेमेंट्स को। सेकेंड बात करें, अगर सेकेंड बात करें यहाँ पर, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके मुंबई में है, नंबर टू। नंबर थ्री की यहाँ पर बात करें, जो इसके MD CEO हैं उनका नाम है दिलीप अजबे, ये बेसिकली इसके MD CEO हैं। और जो टर्म्स आपको याद रखने हैं, द टर्म्स दैट कम इन द एग्जामिनेशन, दोज आर NACH, UPI, भीम, ठीक, रुपे, CTS, और चलो एक और टर्म ले लेते हैं, दैट इज AEPS। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, इट इज़ दी रेगुलेटर ऑफ ऑल दी ऑनलाइन रिटेल पेमेंट्स, चाहे वो कार्ड से करो, चाहे वो आप कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके मुंबई में है, नंबर वन। 2008 में इसका स्थापना हुआ, 2008 इट वॉज फॉर्म्ड। दिलीप अजबे इज़ दी MD and CEO। अदर टर्म जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और मैं ये टर्म मैं चाहूँगा आप आज पढ़ लीजिएगा, इनमें आपका NACH है, UPI है, भीम है, रुपे है, CTS है और APS है। NACH का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, रुपे इज़ बेसिकली अ कार्ड्स नेटवर्क सिस्टम, CTS का चेक ट्रंके सिस्टम और APS का है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। दोस्तों ये सब एग्ज़ाम में आते हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, ये एग्ज़ाम में आपका आएगा। चलिए तो आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा, एक बार जरा कमेंट्स में डाल दीजिएगा, यस सर, यस सर वी अंडरस्टूड, यस सर, यस सर वी अंडरस्टूड।
चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टर्म दोस्तों यहाँ पर है वो है UPI। आइए अब हम UPI की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले UPI का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है, ठीक, नंबर वन। नंबर टू की बात करें तो ये 2016 में आपका शुरू हुआ है, नंबर टू। नंबर थ्री, नंबर टू इसको बनाया है NPCI ने, ठीक। नंबर थ्री इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट है वो अब हो गई है 2 लाख रुपए। पहले आपकी वो 1 लाख थी पर अब इसकी जो लिमिट हो गई है वो हो गई है आपकी 2 लाख रुपए। सो तीन चीज़ याद रखिएगा, UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नंबर वन। नंबर टू इसमें NPCI ने इसको बनाया, NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड UPI 2.0 मतलब कि सेकेंड वर्जन जो इसका है, ये मतलब इसका सेकेंड वर्जन, जो सेकेंड वर्जन है उसमें जो अब लिमिट हो गया है दैट इज़ ₹2 लाख। सिमिलरली जितने भी आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसको भी ये यूज़ करता ना। ओवरड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट इज एनी अमाउंट दैट इज टेकन अबव द अकाउंट बैलेंस। ऐसा कोई भी पैसा जो अकाउंट बैलेंस के ऊपर आप लेते हो उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। आज मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखते हुए, सब लोग यस कर रहे हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज बेसिकली एन अकाउंट बैलेंस, बेसिकली एन एडवांस और लोन विच इज टेकन ओवर द अकाउंट, उसे हम ओवरड्राफ्ट बेसिकली यहां पर कहते हैं। तो एक आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीजें यहां पर क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आपको इसी के बारे में कुछ हमारे फैक्ट्स। देखिए आपके सामने आ भी गया है, द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अपग्रेडेड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद एनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। नाउ द कस्टमर्स कैन लिंक देयर ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स टू द UPI। UPI इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय NPCI। द ट्रांजैक्शन इज डबल्ड नाउ टू 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपये तक अब इसकी अमाउंट को डबल कर दिया गया है। और इसका हिंदी भी आप यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको शो अच्छा लग रहा है आप प्लीज़ लाइक मत कीजिएगा, पर प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। शो का टाइमिंग चेंज हो गया है, अब सुबह 8 बजे आएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था 7 बजे 4 बजे उठ के 3-4 बजे उठ के पढ़ना, पर अब 8 बजे हम आके इसको लगातार करेंगे। तो अगर समझ में आया लाइक मत कीजिएगा, पर एक बार लिख दीजिएगा यस सर वी हैव अंडरस्टूड। मेरी क्वालिफिकेशन, मैं गलती से बदकिस्मती से आई एम ए BTech। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। इंडिया रेटिंग्स कट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 7.2%, 7.2% पर एक रैंकिंग दी है भारत को, एक GDP ग्रोथ बताया है भारत को। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं द इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। सो अकॉर्डिंग टू देम द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 19 हैज़ बीन कट डाउन फ्रॉम 7.4 टू नाउ एट 7.2%। तो उनके हिसाब से अब जो आपका एक रहेगा वो रहेगा आपका एट 7.2%। तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं GDP रेटिंग्स की, ठीक है, इसकी हम दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये एक बार ज़रा यहाँ पर याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ये आपके सामने आया है कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट जो है वो रहेगा आपका एट 7.2%। चलिए ऐसे ही कई सारे और आपके आते हैं, उनको भी एक बार आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अबाउट इंडिया रेटिंग रिसर्च, तो ये जो है ये इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, इंडिया रेटिंग्स की, अच्छा इसकी जो ओनर कंपनी है उसका नाम है फिच रेटिंग्स। दिस कंपनी बेसिकली ओन्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, नंबर वन। नंबर टू बात करें तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका मुंबई में है, दैट इज़ नंबर टू कि आपका बेसिकली यहाँ पर मुंबई में है। और ये एक आम तौर की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने, द क्वीन ऑफ सोल इज बेसिकली डेड। जो मतलब ये एक नाम दिया गया उनको, इनका बेसिकली जो नाम है वो नाम देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, द नेम गिवन हियर इज़ अरेथा फ्रैंकलिन। शी वॉज बेसिकली द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ सोल,
एंड शी हैज़ डाइड एट एज ऑफ 76 विथ पैनक्रियाटिक कैंसर. उनकी वजह से उनका देहांत हो गया. हर फेमस क्लासिक्स आर थिंक आई से अ लिटिल प्रेयर, ये उनकी फेमस एक सॉन्ग्स में से, एंड सिमिलरली रिस्पेक्ट उनका ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है. सो अरेता फ्रैंकलिन, शी इज़ अ सिंगर बाय प्रोफेशन, शी वॉज अ सिंगर बाय प्रोफेशन, शी हैज़ पास्ड अवे. She was 76 years of age and she was also referred to as the Queen of Soul. इनके famous गाने हैं Think I Say a Little Prayer and Respect. दोस्तों यहाँ पर सवाल बनेगा कि Aretha Franklin was related to which of the following? आंसर होगा music. Music से आप समझ होगा मोहित प्लेयर, मेरे भाई प्लेयर आप हो. मैं हिंदी में भी डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चे की जान लोगे क्या? ओके okay. कभी कभी लगता है कि आप लोग की रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट ना करूँ बिकॉज उसका कोई रिस्पॉन्स मुझे मिलता नहीं है, तो बुरा लगता है कभी कभी. सो द क्वीन ऑफ सोल इज़ बेसिकली डेड, शी इज़ अरेथा फ्रैंकलिन एंड वो 76 वर्ष की थी और उनकी जो फेमस एक पोएम है वो है थिंक आई विल से अ लिटिल प्रेयर एंड रिस्पेक्ट, वो इनका यहाँ पर है. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट ऑफ द हेडलाइंस. गाइस बारी है हमारे आज के फाइनेंशियल टर्म्स की एंड ये रहा आपके सामने आज का फाइनेंशियल टर्म. आज के हमारे दो फाइनेंशियल टर्म है, द फर्स्ट वन बीइंग एसटीटी एंड द सेकेंड वन बीइंग एमएटी. एसटीटी का दोस्तों फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और जो एमएटी है उसका फुल फॉर्म है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. पहले बात करते हैं एसटीटी की, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा. इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. ऑल सेलिंग बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज विच बेसिकली इंक्लूड्स शेयर्स बॉन्ड्स एंड अदर्स विल हैव अ मिनिमम टैक्स अप्लाइड. That tax is called as STT. बहुत सिंपल सी बात दोस्तों यहाँ पर है कि STT का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, नंबर वन. नंबर टू, ऑल सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर्स की हो, चाहे वो बॉन्ड की हो, चाहे वो डिबेंचर्स की हो, जब भी कभी आप इन 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 चीज़ों को खरीदते या बेचते हैं तो इनमें जो एक मिनिमम टैक्स अप्लाई होता है, द मिनिमम टैक्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज एसटीटी. क्लियर हो गया आप सबको? क्लियर हो गया सागर राजी? अब तो मैं लगातार आ रहा हूँ, नागा मैंने कम कर दिया है, हफ्ते में लगातार आ रहा हूँ, बच्चे जान लोगे क्या? तो बेसिकली एसटीटी इज़ बेसिकली एनी टैक्स विच इज़ अप्लाइड ऑन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज वेदर इट इज़ शेयर्स बॉन्ड और डिबेंचर्स, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एन एसटीटी. ये आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है. अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की. जो नेक्स्ट हमारे दोस्तों यहाँ पर है वो है आपका एमएटी. अब एमएटी क्या है? नाउ गाइस एमएटी का सबसे पहले जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. नाउ इट इज अप्लाइड एज अ मिनिमम टैक्स टू एनी कंपनी विच इज पेइंग नो टैक्सेस ऑन इट्स बिजनेस. अगर कोई कंपनी है जो कि लॉस में, इफ़ देर इज़ एनी कंपनी विच इज़ ऑन लॉस, इफ देर इज़ एनी कंपनी विच इज़ अनेबल टू पे प्रॉफिट्स और टू मेक प्रॉफिट्स, हर एक कंपनी को, चाहे वो नुकसान की हो चाहे वो प्रॉफिट की हो, हर एक कंपनी को दोस्तों एक अमाउंट पे करना है, द मिनिमम टैक्सेशन उनको पे करना है, एंड दैट टैक्सेशन इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. सो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज़ बेसिकली अ टैक्स विच इज़ अप्लाइड टू एनी कंपनी विच इज़ नॉट पेइंग टैक्सेज. ऐसी कंपनी जो टैक्सेस को पे नहीं करती है, जो लॉस में है या जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, उन सबको टैक्सेस को पे करना है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एन एमएटी. अब दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको इसी के बारे में. देखिए ये रहा आपके सामने, ये रहा फर्स्ट व्हाट इज एसटीटी. एसटीटी इज बेसिकली अ टैक्स विच इज लेवीड ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस डन ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस एट रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम पर्सुएंट टू द एनैक्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट 2004 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये आपका होगा जिसमें आपको हर टैक्स को पे करना पड़ेगा. ये रहा पहला टाइम.
सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड आपका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है. एनी कंपनी विच इज़ नॉट पेइंग टैक्सेस, विच इज़ पेइंग डिविडेंड्स बट नॉट पेइंग टैक्सेस ऑन इंसेंटिव्स, उसको एक टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा. तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको. अगर 50% भी आपका क्लियर हो गया है, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं येस सर इट इज़ 50% क्लियर. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. अब बात करते हैं हमारे आज के अदर हेडलाइंस पर, और ये रही आज की हमारी फर्स्ट हेडलाइन. 24th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलोसफी वॉज हेल्ड इन बीजिंग चाइना. जो 24th वर्ल्ड कांग्रेस था फिलोसफी पर, जो एक तरह का आपका फिलोसॉफिकल सोसाइटी का एक कॉन्फ्रेंस है, वो बेसिकली आपका हुआ बीजिंग में. इट इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि सच अ कॉन्फ्रेंस इज टेकिंग प्लेस इन बीजिंग इन चाइना इन इटसेल्फ. और ये कॉन्फ्रेंस का नाम है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलोसफी. नाउ इस बार जो सवाल एग्जाम में आ सकता है वो आएगा कि इसका थीम क्या. इसका थीम है लर्निंग टू बी ह्यूमन, या मानव बनना सीखना. ये इस बार का थीम था ऑफ द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलोसफी. ये एक बार आप देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको अगली खबर. FSSAI लॉन्चेज रूको इनिशिएटिव टू कलेक्ट कन्वर्ट यूज्ड कुकिंग ऑयल इनटू बायोफ्यूल. FSSAI, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा. इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आई अगेन रिपीट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है. और इन्होंने क्या लॉन्च किया, इन्होंने लॉन्च किया है रूको. अब सवाल यहाँ पर बनेगा सर रूको का फुल फॉर्म क्या है. रूको का फुल फॉर्म है रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ रूको. तो बेसिकली इसको उन्होंने लॉन्च किया है, और इसके तहत 64 कंपनीज विल बी आइडेंटिफाइड एट 101 लोकेशंस फॉर कलेक्शन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल, जिसको कि रीयूज़ किया जाएगा. बेसिकली FSSAI जो है वो एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी है फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ इन इंडिया. तो FSSAI इसने बेसिकली लॉन्च किया है अपना एक इनिशिएटिव, इसका नाम है रूको. रूको का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में आएगा, इसका फुल फॉर्म देखिए. फुल फॉर्म है आपका रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल. अगर हम बात करें FSSAI के बारे में दोस्तों, तो FSSAI जो है इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपके हैं दिल्ली में, नंबर वन. नंबर टू, ये स्टार्ट हुआ आपका 2011 में, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है आशीष बहुगुना इसके हेड हैं दोस्तों. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, रिमेंबर हेडक्वार्टर्स आर इन दिल्ली. 2011 इज द ईयर, एंड आशीष बहुगुना इज इन फैक्ट द MD एंड हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एक बार आप देख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं अगला हेडलाइन. स्वदेश दर्शन स्कीम, ये एक स्कीम है जो कि सरकार ने लॉन्च की है फॉर क्रिएटिंग एरियाज फॉर हैविंग एरियाज विच बेसिकली हैव अ थीम. फॉर एग्जाम्पल कृष्णा सर्किट, देन वी हैव स्वदेश सर्किट. तो बेसिकली कई एरियाज हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है फॉर देयर स्पेशलिटी. फॉर एग्जाम्पल कृष्णा सर्किट विल हैव कृष्णा बेस्ड साइट्स. मथुरा की बात करेंगे, वृंदावन की बात करेंगे, उनकी बात करेंगे. वैसे ही स्वदेश दर्शन दे हैव डिवाइडेड इंटू सर्किट्स. सो द फर्स्ट एवर सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड, जिनमें इम्फाल है और खोंगजोम है. ये दो आपके जो नाम हैं इनको बेसिकली यहाँ पर दिया गया है, एंड दीज टू बेसिकली हैव बीन लॉन्च्ड. इनमें एक इम्फाल में है, एक खोंगजोम में है. इनमें दो साइट्स हैं, एक है कांगला फोर्ट एंड द अदर वन इज़ बेसिकली द खोंगजोम पोर्ट इन मणिपुर. दोनों के दोनों ही आपके मणिपुर में स्थित हैं, दैट इज़ पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हैविंग थीम बेस्ड सर्किट्स इन द कंट्री. तो स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च किया है स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नंबर वन. नंबर टू, सर्किट्स में इम्फाल का सर्किट है और खोंगजोम का सर्किट है. इम्फाल खोंगजोम दोनों ही आपके मणिपुर में है. द टू साइड जो कि आपकी यहाँ पर कवर की गई हैं उनके नाम है कांगला फोर्ट एंड द खोंगजोम पोर्ट. बोथ ऑफ दीज आर बेसिकली इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आई होप ये हेडलाइन आप सबको क्लियर हो गई होगी. एक बार ज़रा कमेंट्स में डाल दीजिए येस सर वी अंडरस्टूड. और अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक मत कीजिएगा, पर प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, आपके ऊपर है. चलिए दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही आपके सामने. आनंदीबेन पटेल हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज द छत्तीसगढ़ गवर्नर. छत्तीसगढ़ की गवर्नर की पोजीशन पर आनंदीबेन पटेल को लाया गया है. द रीज़न वाई, बिकॉज ऑफ लेट गवर्नर जो थे बलरामजी दास टंडन, उनका देहांत हो गया, एंड बिकॉज ऑफ विच शी वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट, नंबर वन. नंबर टू, एक सवाल यहाँ आता है सर कि कौन से आर्टिकल्स, और सवाल SSC में और रेलवे में आता है,
कि कौन से आर्टिकल से द गवर्नर इज अपॉइंटेड. द गवर्नर इज मेड इन अ पर्टिकुलर स्टेट अंडर आर्टिकल 13 सेज दैट हर एक स्टेट में आपका एक गवर्नर होगा, जो कि आपके सामने यहाँ दिया हुआ है. एंड अकॉर्डिंग टू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो सातवां संवैधानिक आपका संशोधन है, उसके हिसाब से एक इंसान दो या उससे अधिक स्टेट का भी गवर्नर बन सकता है. तो मैं अगेन रिपीट गाइज, मिसेज आनंदीबन पटेल, शी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एडिशनल गवर्नर, एज द शी हैज़ बिन गिवन बेसिकली द एडिशनल चार्ज ऑफ छत्तीसगढ़, नंबर वन. नंबर टू, आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा. और अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 56 कहता है कि एक इंसान एक से अधिक, दो से अधिक स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है. तो याद रखिएगा, आनंदीबन पटेल बनी है नई गवर्नर छत्तीसगढ़ की फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज जो वहां के गवर्नर थे उनका देहांत हो गया है. आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको अगली खबर. भारतीय एक्सा टाइज अप विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक टू ऑफर जीवन ज्योति बीमा योजना. भारतीय एक्सा ने टाई अप किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, जिससे कि वो ऑफर करेगी जीवन ज्योति बीमा योजना को. तो ये भी एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा भारतीय एक्सा के बारे में, साथ ही साथ एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में और जीवन ज्योति के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर आपको मिलेगा 2 लाख का इंश्योरेंस, एंड इसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपको ₹330. इस प्रीमियम पर यू कैन अवेल दी बीमा योजना, दैट इज़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. दोस्तों यहीं पर हम रोकते हैं, वापस स्क्रीन पे आ जाएं. बाकी जो मैंने यहाँ लिखा है वो सब चीज़ें आपकी मेंशन है बैंकर्स अड्डा के डेली अपडेट्स, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. बारी है हमारे आज के मैप स्टडी की, तो लेट्स फोकस ऑन द मैप स्टडी गाइस. और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टडी, एंड वी आर फोकसिंग गाइस, येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट हिमालयाज, आज बात करेंगे हम अरावलीज के बारे में. देखिए मज़ा तब आएगा जब आप लोग लगातार आएंगे और फॉलो करेंगे शो को, ठीक है. मैं भी लगातार आऊँगा, मेरी भी गलती, मैं बच्चा हूँ भाई, गलती हो जाती है, माफ़ कर दो. तो कल यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हिमालयाज, टुडे विल डिस्कस अबाउट अरावलीज. ऑलराइट, तो आइए बात करते हैं अरावलीज के बारे में. देखिए ये रहा आपके सामने, द अरावली रेंज इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया रनिंग अक्रॉस राजस्थान टू हरियाणा. तो एक बार ज़रा देख लेते हैं, देखिए यहाँ दिया भी हुआ है कि सबसे पुरानी आपकी रेंज है अरावली, सबसे पहली बात, और ये राजस्थान से लेकर हरियाणा तक रेंज करती है. तो ज़रा एक बार मैप पे भी इसको देख लेते हैं. देखिए मैप पे आपके सामने आ जाएगा, और आप देख दोस्तों स्क्रीन पे देख पा सकते हैं कि बेसिकली इसका जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है ये आपका बेसिकली दो स्टेट के लिमिट्स पे है, राजस्थान से हरियाणा, उनके बीच ये आपका यहाँ पर लिमिट है, नंबर वन. नंबर टू बात करें, यहाँ पर देखिए वापस आते हैं. नंबर टू बात करें, अरावली रेंज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन क्लाइमेट एज इट ब्लॉक्स विंड कैरिंग रेन टू रीच थार डेजर्ट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक मेंशन होता है, और मेंशन ये होता है कि अरावली रेंज एक तरह से अवॉइड करती है विंड को, ब्लॉक करती है जिससे कि पानी पहुँच पाए, रेन पहुँच पाए थार डेजर्ट में. तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर भी है. थर्ड फीचर की बात करें तो इसका जो हाइएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, दैट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावली, दैट इज पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इसका जो हाइट है दैट इज़ 1722. दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि हाइट में काफ़ी डिफरेंस है. एक तरफ मैंने कल बताया था आपको कि 8848 मीटर इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, सिमिलरली सिर्फ 1722 मीटर आपका हाइट है आपके माउंट एवरेस्ट, आपके गुरु शिखर का. तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन अरावलीज एंड ऑल्सो आपका एंड हिमालयाज, नंबर 3. नंबर 4, द होनली हिल स्टेशन जो कि आपका इस रेंज में है, द ओनली हिल स्टेशन दैट दिस पर्टिकुलर रेंज हैज़, दैट हिल स्टेशन गाइज इज़ बेसिकली माउंट आबू. ये आपका बेसिकली माउंट आबू, जो कि इसका सिर्फ एक ही आपका हिल स्टेशन है. और आखिरी में बानस, लूनी, साबरमती, ये रिवर्स हैं जो कि इस रेंज में आपकी फ्लो करती हैं. सो गाइज, आई हैव गिवन यू अ सिनॉप्सिस अबाउट द अरावलीज रेंज, बेसिकली क्या क्या है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा शो को, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को. तो चलते हैं आपको, हम दिखाते हमारे आज का आखिरी हमारा पेज, और ये है अगेन द ग्रेट लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए. आप मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं. यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट एवर चेंज योर नेबर ईदर. यू शिफ्ट बट इंडिया तो शिफ्ट हो नहीं सकता.
So these legendary lines were said by the great Prime Minister of India when he was asked why the reason we are having a dialogue with Pakistan. The reason is because by hook or crook you have to have good relationship with the country of Pakistan. Is wajah se isko yahan par likha gaya hai. To isi ke sath dosto hum aapse vida lete hain. Thank you so much guys aapka yahan par aane ke liye. और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे. थैंक यू सो मच गाइज. बाकी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. धन्यवाद आपका, मिलते हैं आपसे अब हम कल. बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट. Bored with the current affairs? Well, welcome to the new current affairs show. In this particular show, we'll focus on the Hindu. We'll focus on a Hindi newspaper. There will be static awareness shots. There will be financial terms. We'll also have MCQs. We'll discuss a map every day and whatnot. It will cover every other segment which is important for every examination. और मजे की बात दोस्तों ये है कि ये show अब हिंदी में भी आएगा.